दोस्तों टूथ इनेमल ज्यादातर हार्ड मिनरल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। हालांकि इनेमल ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड टिश्यू है। यह एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर से नहीं बढ़ सकता क्योंकि यह एक लिविंग टिश्यू नहीं है। दोस्तों पिछली वीडियो में एलिजा उमरानी कमेंट करते हैं टूथ इनेमल रिपेयर करने की होम रेमेडी बताएं, तो आज हम इस वीडियो में टूथ इनेमल को रिपेयर करने की होम रेमेडी बताएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। शुगरी फूड स्टफ्स और आपके मुंह में जमा होने वाले हानिकारक बैक्टीरिया की वजह से आपके दांतों का इनेमल बिगड़ने लगता है। यह पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनेमल कब कमजोर होने लगती है, ताकि आप बहुत देर होने से पहले इस सड़न के प्रोसेस को रोक सके। जबकि आप रियल में दांतों के इनेमल को रिस्टोर नहीं कर सकते जो पूरी तरह से गायब हो गए हैं। आप अपने इनेमल के स्वास्थ्य को पहले स्थान पर खराब होने से बचाने के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों दांतों के इनेमल को पूरी तरह से गायब होने से रोकने के लिए आज की वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। रिमिनरलाइजेशन को बढ़ावा देकर अपने इनेमल के स्वास्थ्य को बहाल कर सकते हैं। इस तरह आप उस इम्प्रेसिव हार्ड टिश्यू को बनाए रख सकते हैं जो आपके दांतों की इतनी अच्छी तरह से रक्षा करता है। तो अब चलते हैं पहले पॉइंट पर। नंबर एक, एसिडिक और शुगरी फूड का यूज बहुत ही कम करें, क्योंकि एसिडिक और शुगर से बने फूड्स दांतों के इनेमल को कमजोर करने का काम करते हैं। आप जितना पॉसिबल हो सके उन तरह के फूड से बचकर गलन और कमजोर होने को रोकने में मदद कर सकते हैं। नंबर दो, एसिडिक या मीठा खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। अगर आप कुछ एसिडिक या मीठा खाते या पीते हैं तो आप बाद में पानी से अपना मुंह धोकर टूथ इनेमल की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। यह एसिडिक और चीनी को दूर करने में हेल्प करेगा जो आपके दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। नंबर तीन, फ्लोराइड टूथपेस्ट से रेगुलर दो बार ब्रश करें। दांतों की सफाई इनेमल निकलने को रोकने के सबसे इम्पोर्टेंट तरीकों में से एक है। अच्छी डेंटल हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए आपको दिन में दो बार 2 मिनट के लिए ब्रश करना चाहिए और दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।